और महोबा जनपद पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब उन्होंने एक पिकअप वाहन से बड़ी तादाद में नकली खाद की बोरियां बरामद की है। बताया जा रहा है कि ये वाहन बांदा से महोबा की ओर आ रहा था, जिसे पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहन को कब्जे में लिया है। साथ ही चालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि महोबा में डीएपी खाद की विकराल समस्या है और किसान खाद के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं, और इसी बीच पुलिस और प्रशासन को सूचना मिली कि खाद की कालाबाजारी के लिए बांदा जनपद से महोबा जनपद के लिए एक पिकअप वाहन में बड़ी तादाद में डीएपी की बोरियां लाई जा रही थी, जिसे महोबा में ऊंचे दामों में बेचा जाएगा। इस सूचना पर एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी कर उस वाहन को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को कब्जे में ले लिया है। कल खबर मिली थी गुप्त सूचना से कि बांदा से डीएपी की खेप चल रही है जो बेला ताल जानी है, तो उसको कवरेज इंस्पेक्टर को कहा कि उसे रुकवा लिया गया और मंडी में खड़ा करा दिया गया। आज उस पर डीडीएजी इफको के वो जो हैं अपने यहाँ जो सप्लाई करते हैं उनको और जिला कृषि अधिकारी को कार्रवाई के लिए भेजा गया, तो उन्होंने कहा कि वो डीएपी नकली है, उस पर कोई मार्का भी नहीं है और उसमें जो खाद भी भरी पड़ी है वो नकली है।